सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। शनिवार को पांच राशि वाले रहे सावधान। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमेट्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 2 दिसंबर 2017 शनिवार के दिन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके कारण पांच राशि वाले लोगों को अपने कार्यों में सावधानी रखना चाहिए। हम आपको सबसे पहले बता दें कि शनिवार के दिन की ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। नवग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक में रहेंगे, वहीं चंद्रमा मेष में रहेंगे, वहीं मंगल तुला में रहेंगे और बुध धनु राशि में रहेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति तुला में रहेंगे, वहीं शुक्र जो है वृश्चिक में होंगे, तो वहीं शनि देवता जो है धनु राशि में रहेंगे और राहु कर्क में और केतु मकर राशि में रहेंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 राशि के लिए दिन कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पांच राशि है उनके लिए थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये पांच राशि है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु। इन पांच राशि वालों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अन्य राशियों के लिए मिला जुला फल देने वाला दिन सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज आप कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं, खुद के ऊपर आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, खुद को आप समय भी देंगे, पैसों से जुड़े कुछ नए मौके आपको मिलेंगे। किसी खास काम के लिए आप यात्रा कर सकते हैं और जो यात्रा करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। आज अपने दम पर आप काम में सफलता प्राप्त करेंगे, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़ा लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी यात्राएं बढ़ेगी, गलतियां सुधारने के अच्छे मौके भी आपके सामने आएंगे। किसी खास सौदे को लेकर के आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। आज आप बातचीत में बहुत हद तक सफल होंगे, घर परिवार के कुछ मामले निपटाने में आपको थोड़ा समय भी देना पड़ सकता है। पारिवारिक परेशानियां निपटाने का योग बन रहा है, किसी की बात को पूरा होने दे, कुछ कानूनी मामले भी आज निपट सकते हैं और ये आपके पक्ष में आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मन लगा करके मेहनत करेंगे, आज अपनी मेहनत और अपने दम पर समाज और परिवार दोनों के काम पूरे कर सकते हैं। खास तौर पर धन के मामले को लेकर के आप जो असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है वह समाप्त होगी। भरोसे का कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। अपने आचार व्यवहार आचरण पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ में आपके जो फैसले होंगे वो फायदेमंद होंगे। पुरानी योजनाएं आपको लाभ देने वाली सिद्ध होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप अपनी प्लानिंग में कुछ बदलाव करें, खुद को थोड़ा लचीलापन रखें। पार्टनर के साथ पुरानी अनबन समाप्त हो सकती है। मित्रों के साथ में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, नए दोस्त आपके बनेंगे और समाज में आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी छवि खराब हो। किसी काम को पूरा करने के लिए लोग आपकी मदद ले सकते हैं। आज दिन आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी आमदनी बढ़ेगी, कहीं से अचानक धन लाभ का योग बनेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके कामकाज और बिजनेस का दायरा भी बढ़ेगा, इससे आपको फायदा होगा। महत्वपूर्ण काम निपटाने की कोशिश जरूर करें, अधूरे काम पूरे होंगे, कुछ मतभेद आपके आसानी से सुलझ सकते हैं, मेहनत का पूरा फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ेगा, प्रेमी जन के साथ संबंध मजबूत होंगे, कोशिश करें कि धन से जुड़ा कोई भी मामला जल्दी से सुलझ जाए। धन के मामले में आप व्यावहारिक ढंग से विचार करें और जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन काम को सोच विचार करके अच्छी प्रकार से निर्णय जरूर करें। संपत्ति और धन संबंधी कामों के लिए दिन अनुकूल हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आपको अपने लक्ष्य पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। धन के मामले में पार्टनर के साथ कोई नई व्यवस्था हो सकती है।
पार्टनर को खुश करने की कोशिश करें और रोजमर्रा के कामों से धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा, महत्वपूर्ण लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कैरियर में आगे बढ़ना है तो काम पर ध्यान दें, मेहनत लगा करके काम करेंगे तो बड़ी सफलता आपको समय आने पर मिलेगी। आपके बहुत से काम आसानी से पूर्ण हो सकते हैं और धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, पुराना धन वापस आने के योग बन रहे हैं। आपको मदद और सफलता भी समय समय पर मिल सकती है। संतान पर ध्यान दें, आज किया हुआ निवेश आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। जवाबदारी से काम ठीक से निपटा ले, अपने विचारों में तेजी आ सकती है। आपको अपने काम को बारीकी से देखना पड़ेगा। बड़ी परेशानी से निपटने के लिए पुराने दोस्त और रिश्तेदार की आपको मदद मिलेगी। फालतू के खर्च करने से बचे, आज आप थोड़ा सावधान भी रहें। रिश्तों से संबंधित फैसला लेने से पहले सोच विचार करके ले, जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। कोई भी निर्णय या खर्च जल्दबाजी में करने से हानि हो सकती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मेहनत से सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। आज आप थोड़ा संतोषी होने की कोशिश करें, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, काम पर पूरा ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में आने वाली कोई अड़चन या परेशानी आप पूरे उत्साह से सुलझा सकते हैं। परिवार के लिए दिन अच्छा रहेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। कहीं पर आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, यात्रा का कार्यक्रम आपका बनेगा। सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, कामकाज बढ़ेगा, परिवार में मांगलिक आयोजन सिद्ध हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कोई भी फैसला लेने से पहले आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। आप जो कहेंगे वह पूरा करने की कोशिश आप कर सकते हैं। अनुशासन और आत्मसम्मान, यह दोनों चीजें आपके लिए खास हो सकती है। प्रेम प्रसंग में कोई बड़ा या खास फैसला भी आप ले सकते हैं। अपना मन स्पष्ट कर ले। ऑफिस या कार्य क्षेत्र में बहुत ही व्यवहारिक ढंग से आप कार्य को संपन्न करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के ज्यादातर मामलों में आपकी जवाबदारी बढ़ सकती है, आपके ऊपर काम का बोझ अधिक हो सकता है। संभावित नुकसान और परेशानी से निपटने के लिए आप तैयार रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कुछ सामान्य रहेगी। धन आगमन में कुछ रुकावटें आपको पैदा हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप अपनी व्यवहार के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुछ रुके हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों से संबंध अच्छे होने के योग है। आप दूसरों की मदद से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप दूसरों की जरूरत को लेकर के संवेदनशील हो सकते हैं। कोई नया काम हाथ में लेने से पहले पुराना काम निपटाने की आप कोशिश करें। उतना ही काम हाथ में ले जितना आपके लिए संभव हो। आज किए गए कुछ नए काम से आपको आने वाले दिनों में सफलता मिलने का उत्तम योग बन रहा है। बिजनेस में नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, मेहनत आपको करना पड़ सकती है। धैर्य और संयम बना करके रखें। परिवार की समस्या पहले से ही कुछ कम होने का योग बन रहा है। परिवार में सामंजस्य बनेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के चर्चा हो सकती है और उसके अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, हमने 12 राशि का यह दैनिक राशिफल आपको बताया है। शनिवार का दिन है, भगवान शनिदेव की आराधना का दिन होता है। शनिवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शनिदेव की आराधना अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि मंदिर में जाकर के भगवान शनिदेव को तिल चढ़ाएं, काले तेल से उनका अभिषेक करें और साथ ही साथ काले वस्त्र, लोहा आदि का दान भी करें। शनिदेव को प्रसन्न करने से हमारे कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। शनिदेव यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको माला बाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में एक ऐसा दिन होता है शनिवार, और जिस दिन भगवान शनिदेव को यदि किसी ने प्रसन्न कर लिया तो समझ लो कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा। शनिदेव की कृपा सबके ऊपर होना अनिवार्य होती है। शनिदेव की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वह यदि गरीब है तो अमीर बन सकता है,
शनि देव की कृपा से ही पदोन्नति होती है और शनि देवता की कृपा से ही हमको राज्य मिलता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो आप शनि देव की प्रसन्नता के लिए लगातार उपाय करें, पूजन करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप गरीबों को कंबल का दान करेंगे तो शनि देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ गरीबों को भोजन का दान भी करें, इससे शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे और उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।